स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त दोस्तों बात करने वाले इंडियन वुमन वर्सेज ऑस्ट्रेलियन वुमन्स के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। हम सभी जानते हैं ODI मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम का पहला भारी रहा, तीनों मैच ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीते और जिस खूबी के साथ आई थिंक पिच लेग फील्ड जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने तीनों मैच में की, उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम बैट मोने या हेली या एशले पैरी या गार्डनर के भरोसे नहीं है, समवन न्यू हु कम एंड हैंडल द सिचुएशन। तो लेग की ऐसी बल्लेबाजी रही तीनों ओडीआई में और यही पारी आपका पहले T20 मैच में देखिए टीम बिल्कुल आई थिंक वो हाशिए पे आ चुकी थी, जब लड़खड़ा चुकी थी एशले पैरी और लेग की पार्टनरशिप ने उनको उबारा। लेकिन इन सबसे पहले एक नया नाम ऐसा 19 ओवर के भारतीय पेसर मैं कहूँगा जो दिल्ली कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे 2023 में डेब्यू किया है, 4 T20 मैचेस खेले और आज जो कल उनका मैच था बड़ा शानदार और वो बेस्ट परफॉर्मेंस था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजाज साधु की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम की कमर तोड़ के रख दी और श्रियंकम पाटिल लास्ट मिडिल ओवर में एक विकेट पहले और एक लास्ट ओवर में जिस तरीके से इन दोनों स्पिनरों ने उसको तेजाज साधु मीडियम पेसर गेंदबाज और बहुत शानदार तरीके से कॉटन बॉल जो उनका था और गेंद उनकी मूव कर रहे थे भारतीय टीम में नए चेहरे और वो अपने आप को साबित करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉजिट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, कुछ हद तक ये सही फैसला मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को जो लग रहा था कि भाई हम जिस तरीके से ओडीआई में परफॉर्मेंस करके आए हैं कोई भारतीय गेंदबाज नज़र नहीं आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के सामने कुछ हद तक डिफिकल्टीज पैदा कर सके और वही उनके मन में सोच थी कि जैसा प्रदर्शन हमारे देश में था वैसे ही T20 में करेंगे उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर शायद एक नया खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, तेजाज साधु जिन्होंने पहले भी जब आप रेणुका सिंह ने निकाले या नहीं लेके उसके बाद से तेजाज साधु ने 3 विकेट लेके ऑस्ट्रेलियन टीम की कमर तोड़ दी और पूरी तरीके से उनको बैकफुट पर ढकेल दिया। उसके बाद से कैप्टन एशले पैरी और लिचफील्ड ने जो पार्टनरशिप बिल्डअप की और देखिए उस फेज पे 4 विकेट गिरने वाले दोनों खिलाड़ी ने बड़े संयम के साथ खेलना शुरू किया और एक बेहतरीन खिलाड़ी और बल्लेबाज की यही निशानी है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को ढाल पाता है, स्थितियाँ जिस तरीके से जैसे मैन्यूवर करनी है आपको वो चीज़ें अपने अंदर चेंजेस करते हैं और वही एशले पैरी ने कैसे पैरी स्वभाव से बहुत आक्रामक खिलाड़ी हैं हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर कल के मैच में आपने देखा होगा लिचफील्ड बिल्कुल उलट था, लिचफील्ड थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रही थी, एशले पैरी ने एक गेंद को बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ था और वो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है किस तरह कप्तान जिम्मेदारी भरी पारी खेलता है। जी हाँ, मैं इसी बात की तो चर्चा कर रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था जिसमें एडम माक्रम ने जो अपनी मतलब अपनी ना विकेट की उपयोगिता को समझी ना अपनी जिम्मेदारी को संचय करने के बाद तुरंत अपने विकेट थ्रो कर दी, तो दो ऐसे उदाहरण हैं कि जो अपने आप में बिल्कुल उलट है लेकिन एक गैर जिम्मेदार है और एक जिसने टीम की जिम्मेदारी अपनी भूमिका को समझा और टीम हित के लिए अपने आप को अपनी कार्यशैली को अपने खेलने के तरीके को बदला। जी एशले पैरी और वो एक बढ़िया प्लेयर और बढ़िया कप्तान वही होता है जो टीम हित में खेलता है, एशले पैरी ने ऐसा किया लेकिन पूरी तरीके से एंड में जहाँ स्कोर को बूस्ट देना था और 19वें ओवर में वहाँ पर श्रियंकम पाटिल ने पिछली पैरी की विकेट निकाल दी और उसके बाद से मतलब जो एक सिचुएशन बन रही थी ना कि हाँ यहाँ से 2 ओवर में 15-20 रन बना के नियर बाय 160-170 के आसपास स्कोर पहुँचा सकते थे वो पाटिल ने करने नहीं दिया। और एक अच्छी गेंदबाज मुझे नज़र आए पाटिल, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपने गेंदबाजी को एक जो एक नया तरीका दिया और जो लुक दे रखे हैं अपने गेंद में वो शानदार लगा। दीप्ति शर्मा 19वां ओवर दीप्ति शर्मा के पास था, 2 विकेट निकाले थे जिसमें आपका एशले पैरी की विकेट थी और दीप्ति शर्मा शुरू से चाहे वो पहला या टेस्ट मैच हो जिसमें इकलौती गेंदबाज रही दीप्ति शर्मा, उसके बाद ओडीआई मैच में जो थोड़ी बहुत भारतीय गेंदबाजी उनको सफलता मिली उसमें दीप्ति शर्मा थी और यहाँ T20 में
शुरुआती दौर में किफायती ओवर किए थे, विकेट नहीं मिली थी लेकिन ओवर बहुत किफायती थे और एंड के ओवर में दो विकेट निकाल के उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को बैकफुट पर ढके रखा। भारतीय जो गेंदबाजी रही स्पेशली कैप्टन से हरमनप्रीत कौर, जिस तरीके से रोटेट करते हैं खिलाड़ियों को और जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते रहते हैं, उनके अंदर जो मुझे खासियत नज़र आती है वो जो समय समय पर खिलाड़ियों से गुफ्तगू बातचीत करती रहती है, अपने बॉलर से हिंट्स लेती रहती है, किस तरीके की सिचुएशन को वो समझ रहे हैं, अभी क्या चाहिए उन्हें, वो सब एक कप्तान की खूबियों में नज़र आती हैं। प्रतिदास साधु, आई थिंक इस खिलाड़ी ने जो अपने आप को साबित किया, कॉटन बॉल जो अर्शले गार्डन का था, अपने ही फॉल थ्रू कैच को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन वहाँ तक इसने बहुत, और लास्ट अपने ओवर में एक विकेट और निकाले, तो ये तकरीबन, पर मैं चाहूँगा कि प्रतिदास साधु सिर्फ हाईलाइट बन के ना रह जाए, बहुत से ऐसे गेंदबाज भारतीय टीम में आए जो पहला दूसरा मैच बड़ा शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। तो मुझे ये उम्मीद करता हूँ भारतीय मैनेजमेंट और स्पेशली कैप्टन से कि प्रतिदास साधु पर मेहनत की जाए। देखिए शुरुआती विकेटें हो सकती है, शुरुआती समय था नया गेंदबाज खिलाड़ियों के लिए, उसके मूव्स आई थिंक मैं कहूँगा आइडेंटिफाई नहीं थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम शायद थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन फिर प्रतिदास साधु पर भारतीय मैनेजमेंट भारतीय टीम मेट्स अगर मेहनत करें तो एक खिलाड़ी लंबी रेस की खिलाड़ी बन सकती है और एक अच्छे अच्छी गेंदबाज, तेज पेस गेंदबाज है भारतीय टीम में, कहीं ना कहीं रेणुका सिंह इकलौती पेसर नजर आती हैं, उनकी अच्छी साथ दे सकती है। बल्लेबाजी जो भारतीय टीम 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, स्मृति मंदाना, आई थिंक तीनों ओडीआई अगर भारतीय टीम हारी तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जानते हैं कि अगर हम सब किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो स्मृति मंदाना के एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी, शेफाली वर्मा की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी, और एक मेन कारण था कि भारतीय टीम ओडीआई मैच में हारी क्योंकि ओपनर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है, शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना को भेज देना, वो पहले ही 5-7 ओवर में टीम 10 ओवर तक और ओडीआई मैच पहले सेशन में पहले हाफ में पूरी तरीके से एक तरफा मैच कर देना अपनी पारी से, अपने बल्लेबाजी के तरीके से, वो भारतीय टीम नहीं कर पा रही, स्मृति मंदाना वो नहीं कर पा रहे थे, वो शेफाली वर्मा नहीं कर पा रही थी, जिसका खामियाजा टेस्ट ओडीआई सीरीज को वापस भुगतना पड़ा हम सब, लेकिन कल स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने जो पारी शुरुआत की 60 और 50 का दोनों का यूजुअल स्कोर था और इकलौती विकेट गिरी आखिरी मंदाना के रूप में, और वो जब तो भारतीय टीम ने मैच पूरी तरह खत्म कर दिया था। कल का मैच गेंदबाजी ऐसा लग रहा था शायद इस पिच पे बड़ा कुछ है गेंदबाजों के लिए, लेकिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो लगा बहुत ईजी है, और शायद ये कहीं ना कहीं आपकी मैंटेलिटी को दर्शाता कि किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। भारतीय गेंदबाजी ने पूरी तरह से कमर तोड़ रखी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की 141 रन को ऑल आउट करने का, जिस तरीके से दोनों ओपनर शुरुआत की, फर्स्ट हाफ में ऑस्ट्रेलियन टीम मैच हार चुकी थी, उनके हाफ हाफ से उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि वो इस मैच को उतना सीरियस ले नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा कि आई थिंक वी ऑल डन इट, हम कर चुके हैं, हम इससे बेहतर इससे आगे नहीं जा सकते, शायद ये मैच हम पूरी तरीके से हार चुके, और वो जब बॉडी लैंग्वेज फेस एक्सप्रेशन में देखने लगे, समझो आपने सामने वाली टीम के जो सोच है, जो उसकी कुछ अलग हटकर करने की कार्यशैली, उस पर आपने वार किया, और ये भारतीय टीम कल दिखा पाई। आई थिंक अब तक का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई, चाहे पहला टी20, इन सारी श्रृंखलाओं में सिर्फ कल के मैच में ऐसा कह सकता हूँ कि इंडियन टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम नजर आई अपने अंदाज में, जो इस सीरीज से पहले वो लगती थी किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी सिचुएशन में भारतीय टीम विश्व नंबर 1 क्रिकेट टीम थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछले मतलब एक दो महीनों में नजर नहीं आई थी, लेकिन कल पूरी तरीके से नजर आई और बहुत शानदार तरीके से भारतीय टीम खेली, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी हर एक फील्ड में, और स्पेशल फील्डिंग जो आपने देखा, हरमनप्रीत कौर ने 4 कैचेस पकड़ी, 2 कैचेस आपकी अमरजोत कौर ने पकड़ी, तो फील्डिंग में भारतीय टीम का अच्छा हाथ रहा, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, एक अच्छे कैचेस लिए लास्ट के ओवर में, जब एशले पैरी का कैच था, चाहे वो कॉटन बॉल साधु ने गार्डन का पकड़ा था, तो ये कहीं ना कहीं जो फील्डिंग एक स्तर है जो किसी भी चीज़ को बेहतर बनाती है, उसमें भारतीय टीम अव्वल नजर आई।
संडे को दूसरा T20 मैच खेले जा रहा है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम ब्रेट मार करती है। हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया मैंस हो या वुमेंस, ब्रेट मार बहुत शानदार तरीके से करती है, उसको इस तरीके से हम बांध के नहीं रख सकते। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया पीस अटैक स्पेशली और जो मिडिल ऑर्डर है किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्या तेरा सादी यही गेंदबाजी सेकेंड T20 में कर पाते, क्या शंकर पाटिल अपने आप को साबित कर पाएंगी? बहुत कुछ सवाल है, साथ में आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ दूसरे T20 मैच में, फिर मिलेंगे दोस्तों। सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।